आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस का शुभारंभ हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वो लखनऊ से ही 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल होगी। वही सरकार यूपी दिवस का सीधा प्रसारण सभी जिलों में करेगी। इस मौके पर रामचरितमानस, आला गायन, लोक नृत्य सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 26 जनवरी को 3 बजे से समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ सहित प्रदेश की सभी जिलों में यूपी दिवस का भव्य आयोजन किया जाना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी नरेंद्र यादव का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आज यूपी दिवस और इसी को लेकर शुभारंभ, लेकिन कई सौगातें यूपी दिवस के मौके पर प्रदेश के वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत की थी। अब इसका रूप बड़ा होता जा रहा, भव्य होता जा रहा, इसमें तमाम कार्यक्रमों को भी शामिल किया जा रहा है। अब की बार होने वाला अवध शिल्प ग्राम में प्रदेश स्थापना दिवस अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ पहुंचेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज पहले ही दिन वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। 3 साल का एक खाका भी खींचा गया है, जिसको लेकर उसकी उपलब्धियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे कि प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में किए गए कामों को भी गिनाएंगे। साथ ही एक जनपद एक उत्पाद योजना जो योगी सरकार ने शुरू की थी, उसके उद्यमियों को आज सम्मानित किया जाएगा। तमाम खेल प्रतिभाएं हैं जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में और खेल में प्रदेश का नाम रोशन किए हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। वहीं 15 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसका शिलान्यास भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, एसपीजीआई कॉलेज और में ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो काम किए हैं ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, उसका पूरा खाका 3 साल का आज लोगों के सामने रखेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, 24 जनवरी से लेकर 27 तक चलेगा। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, इसमें तमाम प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। बिल्कुल नरेंद्र, हर एक चीज का खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि आप बता रहे हैं, किसानों की बात करें, कुटीर उद्योगों की बात करें, तो हर एक चीज का खास ख्याल इस दौरान रखा गया है। कई शिलान्यास किए जाने हैं, कई चीजों का लोकार्पण यहाँ पर किया जाना है, लेकिन ये यहाँ पर बताइए, कार्यक्रम को लेकर हम थोड़ी और जानकारी यहाँ पर जानना चाहेंगे। आज कितने बजे और कहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है, और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो हैं इसके साथ आयोजित किए गए हैं, जैसे कि रामचरितमानस, लोकनृत्य सहित कई कार्यक्रम हैं जो कहीं ना कहीं एक छटा जो यूपी की है, जो संस्कृति यूपी की है, उसको दिखाने का यहाँ पर मौका मिलेगा। बिल्कुल, इसका आयोजन अवध शिल्प ग्राम में किया गया है, जो शहीद पथ के किनारे है, एक बड़ा एरिया है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और जो अलग अलग जिले हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काम किए हैं, वो अपनी प्रदर्शनियां लगाएंगे, साथ ही शिल्प की प्रदर्शनियां लगेंगी, खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनियां लगेंगी। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की विशेषता है, जो विशेष प्रोडक्ट है, उनको रखा जाएगा, उनको प्रदर्शनी में लाया जाएगा। 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी चलेगी, मेला चलेगा। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ, अब तक 11 बजे का उनका प्रोग्राम था, लेकिन अब रिवाइज प्रोग्राम आ गया है कि 10:30 पर सीएम योगी आदित्यनाथ मेले का उद्घाटन करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। उनके साथ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ 10:30 बजे पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश भी योगी सरकार की होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।